क्या जो लोग चश्मा पहनते हैं वो त्राटक नहीं कर सकते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें भी काफ़ी डाउट है लोगों को कि जो लोग चश्मा पहनते हैं वो त्राटक कैसे कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने अपनी एक लाइव वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने एक गेस्ट को भी वहाँ पर बुलाया था जो त्राटक एक्सपर्ट हैं, विनोद शर्मा जी, उनको मैंने इन्वाइट किया था। विनोद शर्मा जी ने भी चश्मा पहना था, मैंने भी चश्मा पहना था। काफ़ी अच्छे कमेंट तो मुझे इस वीडियो पर मिले ही, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट थे जिसमें लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि ये त्राटक कैसे कर सकते हैं या फिर ये त्राटक कैसे बता सकते हैं किसी को, क्योंकि इन दोनों ने तो खुद चश्मा पहना हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग चश्मा पहनते हैं क्या वो त्राटक नहीं कर सकते? क्या उनके लिए त्राटक नहीं बना हुआ? और मैं एक बात तो क्लियर कर दूँ कि मेरी आँखें अच्छी हैं, मेरी आँखें कोई ख़राब नहीं है। मैं जो चश्मा पहनती हूँ वो मैं स्क्रीन गार्ड के लिए पहनती हूँ, यानी कि मेरा मैक्सिमम जो भी काम होता है वो कंप्यूटर पे होता है। तो मैं अपनी आँखों को सेफ रखने के लिए, स्क्रीन से प्रोटेक्शन करने के लिए मैं चश्मा पहनती हूँ। और यहाँ पे मैं बिल्कुल ओपनली बोल रही हूँ कि जो लोग चश्मा पहनते हैं या फिर इनको जिनको विज़न प्रॉब्लम है वो लोग त्राटक कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो लोग त्राटक करते हैं उनकी आंखों की रोशनी बहुत तेज़ हो जाती है, उनके चश्मे हट जाते हैं, ये कहीं नहीं लिखा। सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होती है, मानी भी जाती है। जब आपके साथ प्रैक्टिकली हो रहा है तो आप मानिए, बट आपको ये कहने का कोई राइट नहीं है कि जो लोग चश्मा पहनते हैं वो त्राटक नहीं कर सकते हैं। मेरे पास तो इनफैक्ट ऐसे ही केसेस आते हैं कि ज़्यादातर लोग स्पेक्स पहनते हैं, उनका विज़न प्रॉब्लम होता है, और ज़्यादातर जब हम त्राटक में किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करते हैं, किसी भी एक पॉइंट पर हम चाहे 10 मिनट का फोकस बना रहे हैं, चाहे 5 मिनट का फोकस बना रहे हैं, तो आँखों से जैसे वाटर रिलीज होता है, उसी तरीके से ईचिंग आना, आँखों में बर्निंग होना, ये सारी चीज़ें होती है। क्योंकि एक चीज़ में अगर टकटकी लगाकर हम देख रहे हैं, जब हम अपने शरीर के साथ कुछ एक्स्ट्रा उसको और फोर्स कर रहे हैं कि ये चीज़ करो, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमारी बॉडी में आता ही है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम एक शार्प फोकस बनाते हैं तो उसकी हमें पॉजिटिविटी मिलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रश्न को, इस कमेंट को जो भी जिसने भी किया था, तो उसको भली भांति समझ लें कि मेरी आंखें ख़राब नहीं है और मैं त्राटक करती भी हूँ और कराती भी हूँ, और काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे सारी टेक्निक पता है, मैं तभी कराती हूँ। और चश्मा पहनने वाले कोई अंधे नहीं होते हैं। तो इस बात के लिए ज़रा आप लोगों को संभल के कमेंट करने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो ठीक है, कुछ इसमें नॉलेजेबल चीज़ें, तो ही आप देखें, नहीं तो वीडियो स्किप कर देना, वीडियो आप देखें ही मत। आप अपने लेवल पे त्राटक कीजिए, जो भी आपको करा रहे हैं त्राटक उनसे आप कीजिए। हमने कभी नहीं कहा कि आप हमारे अंडर ही आइए या फिर मेरे ही चैनल पे आइए, आप मेरी वीडियो देखिए या फिर त्राटक करिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप सभी को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराऊँ, और हर चीज़ का आपको मैं वो ज्ञान दूँ जो एक हमने प्रैक्टिकली अनुभव किया है। किताबी बातें बहुत सारी हैं हर चीज़ के ऊपर हैं, पर जो चीज़ हम प्रैक्टिकली सीखते हैं वो अगर आपको हम अपने अनुसार बताने की कोशिश करते हैं या फिर मैं कोशिश करती हूँ, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कुछ नेगेटिविटी प्रोवाइड कर रही हूँ। जब भी हम त्राटक में एक फोकस बनाते हैं, तो कुछ लोगों को विज़न प्रॉब्लम होती है, तो हम उनको ये नहीं कहते हैं कि आप स्पेक्स हटाकर त्राटक करिए, अगर आप स्पेक्स हटाकर त्राटक करेंगे तो देखिए कि आपकी विज़न की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा। इनफैक्ट हम तो ये बोलते हैं कि कुछ आप अपनी आँखों में रिफ्रेश्ड एयर या फिर कुछ अपने जो भी आई ड्रॉप आप लोग यूज़ करते हैं उसको डालिए, फिर आप त्राटक करिए, क्योंकि उससे आपको और क्लियरिटी आएगी, एक अच्छा आपका फोकस बनेगा। क्योंकि अगर हमारा डिस्कम्फर्ट है, यानी कि आईज़ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ डिस्कम्फर्टनेस हो रही है, तो त्राटक में नहीं फोकस बनता। त्राटक के लिए, एक अच्छा फोकस बनाने के लिए, एक बिल्कुल टकटकी लगा के देखने के लिए हमारी आँखों का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से ये तो क्लियर हो गया होगा कि जो लोग चश्मा पहनते हैं वो भी त्राटक कर सकते हैं, त्राटक उनके लिए भी बना है। तो ज़रूर करिए, चश्मे के साथ त्राटक कीजिए, अच्छे से कीजिए, अपना फोकस बनाइए, और ज़रूर शेयर कीजिए कि कौन से कलर्स आपको त्राटक में दिखाई दिए, कितना अच्छा आपका फोकस बना, क्या आपका अनुभव रहा, ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।